नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नज़र हेडलाइंस। पूरे बिहार के लिए खुशखबरी, 22 दिन बाद पॉजिटिव केस 10,000 से नीचे, 100 में से मात्र 9 लोग मिल रहे हैं पॉजिटिव। बिहार में वज्रपात का कहर, ठनका गिरने से 4 लोगों की मौत, कई झुलसे। पप्पू यादव के बेटे ने कहा, मेरे पिता के साथ मुजरिम जैसा बर्ताव, एम्बुलेंस और हॉस्पिटल की सच्चाई दिखलाना जुर्म है क्या। बिहार में कोरोना के बाद ब्लैक फंगस की एंट्री, पटना में मिले 5 मरीज, जानिए कितनी खतरनाक है ये बीमारी। बिहार के इस जिले में 3,000 किसान फर्जी तरीके से उठा रहे थे पीएम किसान योजना का लाभ, अब सरकार करेगी वसूली। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच खुशखबरी, बिहार सरकार के इस विभाग में निकली बम्पर वैकेंसी। बिहार में 20% तक महंगी हुई हार्ट और शुगर की दवाएं, कालाबाजारी करने वाले हुए गिरफ्तार। लॉकडाउन के कारण सुधरी पटना की आबोहवा, प्रदूषणकारी गैसों में आई 80% तक कमी, सांस के मरीजों को मिल रही राहत। पटना की सड़कों पर नजर नहीं आएंगी 130 पीली राइड बसें, जानिए क्या है कारण। बिहार में 14 मई तक सक्रिय रहेगी प्री मानसून, तापमान अभी और गिरेगा। बिहार में लॉकडाउन लगाने का असर दिखने लगा है। पिछले कुछ दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है, स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। बुधवार को राज्य सरकार ने जो ताजा आंकड़ा पेश किया है वह काफी चौंकाने वाला है। यह पूरे बिहार के लिए एक राहत की खबर है, क्योंकि आज 22 दिन बाद पूरे प्रदेश में एक दिन में 10,000 से कम मामले सामने आए हैं। साथ ही आज लगातार 9वें दिन भी पॉजिटिविटी रेट नीचे गिरा है। बुधवार को राज्य सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक 1,11,740 लोगों की जांच में मात्र 9,863 लोग पॉजिटिव मिले हैं। इससे पहले पिछले महीने में 19 तारीख को 10,000 से कम मामले सामने आए थे, 19 अप्रैल को मात्र 7,487 केस मिले थे। इसके बाद से लगातार 10,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, कभी कभी तो बीच में 15,000 से भी ज्यादा मामले एक दिन में सामने आए, जिसके बाद सरकार ने एहतियात लॉकडाउन का ऐलान कर दिया, क्योंकि नाइट कर्फ्यू लगाने के बावजूद भी मामले बड़ी तेजी से बढ़ रहे थे। बिहार में कोरोना महामारी के बीच मौसम ने भी करवट बदली है, बारिश और वज्रपात से भी आपद की शुरुआत हो गई है। ठनका गिरने से बुधवार को 4 लोगों की मौत हो गई है, कुछ लोग जख्मी भी बताए जा रहे हैं, उन्हें इलाज के लिए नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बिहार में आपदा प्रबंधन विभाग ने भारी वज्रपात को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार का मौसम काफी तेजी से बदल रहा है, लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। बुधवार को वज्रपात के कारण 4 लोगों की मौत हो गई है, भागलपुर में 2 लोगों की जान गई है, जबकि सुपौल और समस्तीपुर में 1-1 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। जन अधिकार पार्टी के संरक्षक और पूर्व सांसद पप्पू यादव के जेल जाने के बाद लोगों के बीच जनाक्रोश का माहौल है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पप्पू यादव की रिहाई की लगातार मांग उठ रही है। इसी कड़ी में पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वह काफी भावुक दिख रहे हैं। दरअसल बुधवार को सार्थक रंजन ने खुद पप्पू यादव के फेसबुक पेज से लाइव किया है और कई बातों को जनता के सामने रखा है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके पिता को प्रताड़ित किया जा रहा है, साथ ही उन्होंने बिहार के लोगों को एक साथ आने की भी अपील की और कहा कि पप्पू यादव सिर्फ नहीं बल्कि एक जुनून है। पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन ने कहा कि मेरे पिता अकेले हैं, कल 9 बजे से लेकर आज सुबह 3 बजे तक मेरे पिता के साथ एक मुजरिम के तरह बर्ताव किया गया है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जुर्म है क्या, हॉस्पिटल की सच्चाई दिखलाना जुर्म है क्या, या जरूरतमंद लोगों की मदद करना जुर्म है। जो एम्बुलेंस लोगों के काम आ सकते थे उसे एक कैंपस में खड़ा करके रखा गया है। एक तरफ बिहार कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ खतरनाक ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है। राजधानी पटना में इसके 5 मरीजों की पहचान की गई है, एम्स में 4 और IGIMS में भर्ती एक मरीज में ब्लैक फंगस मिला है। इधर पटना के अलावा दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के बाद बिहार में ब्लैक फंगस ने चिंता बढ़ा दी है। कोरोना को मात देने वालों में इसका अटैक देखने को मिल रहा है। ब्लैक फंगस नाक, आंख, दिमाग पर सीधा हमला करता है, कई मामलों में तो संक्रमितों की आंखें तक निकालनी पड़ती है। ब्लैक फंगस में मृत्यु की दर 50% है। डॉक्टरों का कहना है कि ब्लैक फंगस कोशिकाओं को नष्ट करने के साथ
रोगी की हड्डियां तक गला देता है। एम्स के डॉक्टर बताते हैं कि कोरोना के कारण बिना किसी डॉक्टर के सलाह के स्टेरॉयड लेना ब्लैक फंगस का कारण बन सकता है। कोरोना काल में संक्रमण के कारण अचानक से ऐसे मामले बढ़े हैं। इसमें शुगर हाई होना, स्टेरॉयड का हाई डोज लेना बिना एक्सपर्ट की निगरानी के, डेक्सोना जैसे स्टेरॉयड की हाई डोज लेना बड़ा कारण बन सकता है। ब्लैक फंगस के लिए यह बड़ा कारण हो सकता है। पटना एम्स के डॉक्टरों की माने तो ब्लैक फंगस का संक्रमण काफी खतरनाक होता है। भोजपुर जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ है। इस योजना के अंतर्गत जिले के 1,71,743 किसान लाभार्थी हैं, जिसमें 3,000 किसानों को फर्जी के तौर पर चिन्हित किया गया है। ऐसे किसानों को भारत सरकार ने राशि लौटाने का सख्त निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है कि जिले में लाखों रुपए का इनकम टैक्स देने वाले व्यापार और अन्य रोजगार से जुड़े व्यक्तियों द्वारा वास्तविक किसान बनकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाया जा रहा था। ऐसे लोगों के इनकम टैक्स रिटर्न के जांच पड़ताल के बाद भारत सरकार के कृषि विभाग ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में फर्जीवाड़ा का खुलासा किया है। भारत सरकार के कृषि विभाग के खुलासे के बाद भोजपुर जिले के ऐसे 3,000 किसानों से राशि वसूली करने की कार्रवाई शुरू की गई है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच बिहार में सरकारी नौकरी की भर्तियां निकली है। दरअसल बिहार स्वास्थ्य विभाग ने 2 पदों के लिए बम्पर वैकेंसी निकाली है। विभाग ने स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर और जनरल मेडिकल ऑफिसर पद के लिए करीब 6,338 पदों पर रिक्तियां निकाली है। इन रिक्तियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 मई है। वहीं इन पदों पर आवेदन करने के लिए MBBS की डिग्री होना अनिवार्य है। जानकारी के अनुसार बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन द्वारा जनरल मेडिकल ऑफिसर और स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। दोनों पदों के ऑनलाइन फॉर्म 24 मई तक भरा जा सकता है। विभाग द्वारा इन पदों पर सीधी नियुक्ति की जा सकती है। आम आदमी इन दिनों बीमारी से ज्यादा महंगी दवाओं के बोझ से परेशान है। कोरोना संकट में नौकरी पेशा लोगों की आमदनी पर अंतर पड़ा है। वहीं दवाओं की बढ़ती कीमतें ऐसे परिवारों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। मिली जानकारी के अनुसार जरूरी दवाओं की कीमतों में 20% तक इजाफा हो चुका है। हार्ट ब्लड प्रेशर से लेकर शुगर तक की दवाएं महंगी हो गई है। जानकारी की माने तो कंपनियों ने कच्चे माल की कीमत बढ़ाने के कारण दवाओं के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। दवा दुकानदारों के मुताबिक दवा कंपनियां नए बैच नंबर के साथ दाम बढ़ाने का खेल करती है। मार्केट में जिस दवाओं की मांग बढ़ती है उसका नया बैच जारी कर दिया जाता है। हर बैच नंबर के साथ 2 से 5 रुपए तक बढ़ोतरी कर दी जाती है। कोरोना की दूसरी पीक पर रोक लगाने के लिए पिछले 5 दिनों से पटना में दिन के 11 बजे से लॉकडाउन लागू है। इससे सड़क पर निकलने वाले वाहनों की संख्या घटकर महज 10 से 15% रह गई है। इसका सीधा असर शहर के पर्यावरण पर दिखता है। पेट्रोल और डीजल के जलने से निकलने वाले प्रदूषणकारी गैसों की मात्रा में भारी कमी आई है। पहले की तुलना में CO, NO2 और SO2 की मात्रा 80% तक घट गई है। परिणाम स्वरूप पटना का एयर क्वालिटी इंडेक्स 250-300 से घटकर महज 111 रह गया है। इसमें भी PM10 जैसे धूल जनित कारकों के योगदान को हटा दे तो यह 80 से नीचे पहुंच जाएगा, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर है। इससे सांस की बीमारियां, एलर्जी और मानसिक तनाव से ग्रस्त लोगों को राहत महसूस हो रही है। परमिट रिन्यूअल नहीं होने से अगले 2 वर्षों में पटना की सड़कों से 130 पीली सिटी राइड बसें बाहर हो जाएंगी। पटना शहर में इन दिनों 160 प्राइवेट सिटी राइड बसें चलती हैं। इनमें से 130 बसें 2006 से 2008 के बीच DTO में रजिस्टर की हुई हैं। चूंकि राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी सिटी राइड बसों का परमिट रिन्यूअल नहीं होना है, लिहाजा अगले 2 वर्षों के दौरान जैसे जैसे इन बसों का परमिट लैप्स होते जाएगा, रिन्यूअल नहीं होने की वजह से ये राजधानी के सड़कों से बाहर होती जाएंगी और केवल 30 बसें यहां सेवा देती नजर आएंगी जो 2009 से 2017 तक पंजीकृत है। बैठने में असुविधाजनक होने के बावजूद पीली सिटी राइड बसों का किराया ऑटो की तुलना में बेहद कम है। साथ ही यह राजधानी के प्रमुख रूटों के साथ साथ कई ऐसे लिंक रूटों में भी चलती है जहाँ BSRTC की बसें नहीं जाती है और ऑटो भी कम चलती है, लिहाजा आने जाने का सबसे सस्ता साधन होने के कारण आम लोग इसे सबसे अधिक इस्तेमाल करते हैं। इनके बंद होने से उनका यात्रा खर्च बढ़ जाएगा। पिछले कुछ सालों की तुलना में बिहार में प्री मानसून की गतिविधियां चरम पर है। अप्रैल अंतिम हफ्ते से लेकर मई में अभी तक प्रदेश के कई हिस्सों में मध्यम और भारी बारिश दर्ज की जा रही है। इसकी वजह से मई माह में हीट वेव की बजाय
तेज और ठंडी पुरवैया चल रही है। इसकी वजह से आगामी 48 घंटे तक यूं तो पूरे प्रदेश का विशेष रूप से उत्तर पूर्वी बिहार में उच्चतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाने का आसार है। IMD पटना की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक प्रदेश में प्री मानसून की गतिविधियां 14 मई तक और चरम पर पहुंचेंगे। इस दौरान न केवल मेघ गर्जन बल्कि हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की आशंका है। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।